लाख मेहनत करने के बावजूद ही सिर्फ दो वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं। इन्हें अन्य कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती। चलिए आज हम इनसे इनकी परेशानियों के बारे में जानते हैं। आपका नाम? आपको कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या देखिए, यहाँ सबसे पहला नंबर तो देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले स्कूल की जरूरत है। यहाँ तो शिक्षा के लिए बच्चों को, यह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि वो अपने घरों में कुछ पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, इसी तरह से उनकी चल रहा। दूसरी बात, गंदगी का यहाँ पे भी ज़्यादा है, ना कूड़ेदान है, ना कहीं कुछ है फेंकने के लिए। जो भी कुछ बनाते हैं हम लोग नाले में फेंकते हैं। सबसे प्रमुख समस्या पानी का है। यहाँ पानी, सरकारी पानी ना आता है, ना सप्लाई का, ना कहीं कुछ, इसी नलके से हम लोग पीते हैं। और वरना हम लोग वो पानी पीने के लिए 20-20 रुपए की बोतल पीते हैं, और बाकी कपड़े धोना, खाना पीना, जो बच्चों की सब कुछ है, सारी इसी नलके का सहारा से होता है। यहाँ पे जैसे इतने नाले हैं, साफ सफाई नहीं है, बीमारियों की कई समस्याएं होती होंगी। आप लोग डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं? हाँ, जाते हैं। सरकारी में कभी चल गए, कभी प्राइवेट में चल गए। पैसे से सरकारी में तो कोई इलाज है नहीं, गए दो को टैबलेट दे दिया, मरो जो बच। यहाँ बाथरूम की समस्या है, रहने के लिए समस्या है, गंदगी ज़्यादा है, साफ सफाई होता नहीं है, लोग बीमार पड़ते हैं, कभी डेंगू से, कभी मलेरिया, कभी चिकनगुनिया से। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं घूम करके, अपना कुछ कुछ कर्जा वर्जा इतना हो गया कि कुछ कर नहीं सकते हैं। रोड पर कोई ठेली रेड़ी लगाएं वो भी नहीं लगने देते, पुलिस वाले मारते पीटते हैं। वादे घोषणाएं योजनाएं, ये शब्द आज के समय में समाज के लोगों को चुभने लगे हैं। ये शब्द वोट पाने की खातिर राजनेताओं द्वारा आपने खूब सुने होंगे, लेकिन नेता चुनाव के बाद नजर भी नहीं आते। इसका दंश झेलती है हमारी गरीब जनता, जिसे नेताओं ने वोट की फसल के खातिर उपयोग तो कर लिया, और हमारी जनता नजर लगाए बैठी है कि शायद कोई आएगा, हमें हमारी मुफलसी से निजात दिलाएगा। लेकिन गरीबी से परेशान लोग अपनी जिंदगी हार रहे हैं, इस बात की चिंता किसी भी नेता को नहीं है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं, जहां गरीबी का मंजर देखने को मिलेगा और सरकार के खोखले वायदे सामने निकल कर आएंगे। इन झुग्गियों में लोग दो झुनकी रोटी के लिए तरसते हैं। जहां लोगों को अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, ऐसे में इन लोगों के पास बिजली विभाग की ओर से हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। बिजली यही 6 महीना हो गया बैठे, 6 महीने के अंदर हमारा बिजली बिल इतना, हम लोग कोठी में काम करते हैं, झाड़ू पोछा, कोठी वाली कह रही इतना हम लोग का बिल नहीं है, 8,000, 9,000, 5,000 झुग्गी में जो मोटर फ्रिज नहीं है, हाँ जो एसी नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा सिर्फ चलाते हैं, बॉल जलाते हैं, इतना 5,000 नहीं आना चाहिए महीना का बिजली बिल, इतना मतलब झुग्गी में इतना नहीं आना चाहिए। तो आपने कभी इस चीज़ की शिकायत की? शिकायत हम लोग बहुत कराए हैं, वो रैली भी निकाले हैं, जुलूस भी निकाले हैं, कोई सुनवाई नहीं। जहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, ऐसे में बिजली का बिल कैसे चुकाएंगे? अच्छा, दूसरी बात, बिजली आया है अब इसमें कभी 8,000 देना पड़ता, कभी 10,000, कभी 5,000, इस तरह से एक बल्ब जलाते हैं। तो ये मतलब कैसे हो रहा है, इतना बिल क्यों आ रहा है, कभी कुछ पता किया आपको? हम लोग हल्ला गुल्ला करते हैं, वहाँ जाके कहता कि जो उठता है रीडिंग वही आपसे लिया जाएगा। सरकार भी इनकी वर्तमान स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ है। सरकार कब तक जनता को सिर्फ वोटों के नाम पर ठगती रहेगी? कब तक गरीबी के नाम पर राजनीति करती रहेगी?
आज अगर जनता सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखती है तो ये सरकार की नाकामयाबी की निशानी है जो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से कोई उम्मीदें नहीं है, कोई पूर्ति नहीं है। जब से नोटबंदी हुआ तब से हम लोग गरीबों का रोजगार बिल्कुल चला गया। पानी, बिजली, शौचालय और स्वास्थ्य को लेकर सरकार इन पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण झुग्गियों में रहने वाले लोगों को कई सारी बीमारियों के होने का खतरा मंडराता नजर आता है। गंदगी का यहाँ पे भी ज्यादा है, ना कूड़ेदान है, ना कहीं कुछ है फेंकने के लिए। जो भी कुछ बनाते हैं हम लोग नाले में फेंकते हैं। इसके सिवा और कोई नहीं है, जो हमारे कोई साधन मिले ऐसा जो हम उसको फेंके, एक जगह जाए वो जा करके कहीं और जगह जाके वो कचरे को फेंका जाए। वो और बाथरूम वगैरह, लेटरिन वगैरह, ये सब गंदगियाँ हैं, ये सब के चक्कर में बहुत दिनों से। और अभी कुछ दिन पहले शौचालय के बारे में आए भी थे, कुछ लिख के भी लेके गए, लेकिन आज तक वो बना नहीं। लाइव खबर के लिए पूजा मिश्रा और पल्लवी पांडे की रिपोर्ट।